इतनी घटिया गेंद के ऊपर ये बंदा कैच दे के जा रहा है, थोड़ी कुटाई होनी शुरू हुई जो वो डिजर्व करते थे यार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड। भाई क्या कसम से, रोज क्रिकेट का ब्लॉग, कोई क्रिकेट क्रिकेट ब्लॉग नहीं आज तुमसे ना हो पाएगा। नेदरलैंड में हम लाइव चले जाएं, लाइक बैठे रहे, फजूलियात बोलते रहेंगे, बाल छोटे छोटे करवा दिए, अजीब हुए बड़े थे बाल, बाल इतने बुरे लगते ना, राइट। सो बस अभी नाश्ता लेके आते हैं जाके। हमारा डिजिटल किस्म का नाश्ता तैयार है, अभी हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट बॉल होगी और फखर जमान ने जैसे खेली है ना, ये दिखाता है कि इनका कॉन्फिडेंस क्या है गेम में। भाई पता नहीं क्या करेंगे। लो जी फखर जमान तो गया, मुझे पता था उसकी हालत नहीं है, वो खेलने के काबिल नहीं रहा। पता नहीं भाई क्या करेंगे ये हमारे साथ, पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस। अगर नेदरलैंड के खिलाफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना तो बेटा इंग्लैंड वाले और इंडिया वाले आपको कॉन्फिडेंस देंगे फिर बैठ के। किसानी है ना, एक इनका स्पिनर सा है आर्यन दत्त, उसको शेन वॉन बना के रख लिया पता। भाई आपका दुनिया का नंबर वन प्लेयर भी आउट हो गया जा चुका है, बाबर आजम भी चले गए, इतना क्लमजी भाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतनी थक्की किस्म की बैटिंग करते हैं, डरे डरपोक किस्म के, वेट करते हैं 35 ओवर तक एक आउट ना हो और हम फिर एंड पे जाके 150 मार देंगे। भाई वही घटिया अप्रोच है ऑनेस्टली। अब ये नहीं कि पता नहीं क्या करेंगे बाद में, भाई वही क्या बोलूँ कि इतनी घटिया स्टार्ट है। अब हम इनके नौकर हैं, बाप के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, टुक टुक करते रहेंगे ये शाम 35 ओवर तक, ठीक है। उसके बाद हमें लगा ये बस बन गई, तो 70-80 में जितने मर्जी 400 बना दें एंड पे, लेकिन स्टार्ट इनका वही एम्बैरसिंग है, वही घटिया किस्म का है, जो इनसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि बेटा तुम लोग यही करोगे वही करते हैं। ओलो ये वाली बात हम करते हैं कि आउट उन्होंने होना है, ठीक है, आउट इन्होंने लाजमी होना है, लेकिन घटिया फैशन से। पहले रोते रहेंगे, टुक टुका करते रहेंगे, उसके बाद कोई घटिया शॉट मार के आउट हो जाएंगे। अब ये 3 आउट हो गए, 450 बना देंगे अब ये, वट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये स्टार्ट करते ना, कसम से वो जो चीज़ है ना वो इनकी परमानेंट है। भाई फाइनली 100 हो गया हमारा, शुक्र है मजीद भी आउट नहीं हुआ अभी तक, और हमें अपने आप को काम करने के लिए बनाई है जैसे ग्रीन टी, ग्रीन टी रिजवान साहब और हम, अल्लाह खैर करे। थोड़ा मजा आने लगा क्योंकि थोड़ी कुटाई होनी शुरू हुई जो वो डिजर्व करते थे यार नेदरलैंड कसम से। इन्होंने पहले स्टार्ट बहुत थक्का किया, लेकिन आई एम ग्लैड कि शकील अच्छा खेल रहा, साउथ शकील बहुत अच्छा खेल रहा, रिजवान ने भी अच्छा स्टार्ट किया था साथ, बट स्लो था, लेकिन इवेंचुअली वही 22-25 ओवर में आके हमने थोड़ा एक्सेलरेट करना शुरू किया। लेकिन ये अर्ली एक्सेलरेशन है बनिस्बत जब हम पहले करते थे 30-35 ओवर के बाद, तो दैट इज़ कूल। भाई 50 होगी लड़के की, शहजादे की, बड़ा इसको अच्छा रेट करता रहा हूँ मैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है मिडिल ऑर्डर में, नई बारी आई बेचारे की, लेकिन आ गई इवेंचुअली, रियलाइज हो गया डिसीजन मेकर्स को कि ये बंदा हमें मिडिल ऑर्डर में चाहिए। भाई शहजादे अपने की भी 50 हो गई है, थिंग्स आर रियली लुकिंग नाइस नाउ। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी डाउन हो चुकी बिकॉज फाइनली हमने थोड़ी इंटेंट दिखाई मिडिल ओवर्स में, या आप कह लो कि मिडिल ऑर्डर में। सो लड़के ने 50 मार दी है, विच इज़ रियली कूल, आई रियली लाइक, आई रियली इन्जॉयड, क्योंकि 25 ओवर हुए अभी। आज पहली दफ़ा लगा कि ये प्रॉपर तरीके से एक जो स्कोरिंग रेट है ना उसको आगे लेके जाएंगे, तो दैट वॉज वन गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। और दूसरी गुड थिंग ये बंदा, तो आज लाइक काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है ऊपर वाले 3 झड़ने के बाद। भाई साउथ स्किल आउट हो गया और अच्छी इनिंग खेली है, बड़ी अच्छी बॉलिंग भी करवाई नेदरलैंड ने स्टार्ट में। भाई 5 आउट हो गए बैठे बिठाए, रिजवान बोल्ड हो गया और स्कोर अभी भी बहुत कम है, 180 समथिंग है, तो गेम ऑन है, मिडल ऑर्डर आज तसल्ली से टेस्ट हो रहा है और अभी भी काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, लंबा जाएगा मैच आई होप, लेकिन इनको खेलना सेम ही यही चाहिए, ठीक है, आउट होते हो जाए बढ़ जाए कोई मसला नहीं है। ये चेक करें 188/6, वही लेजी, मतलब आप मारते शारते रहो यार, डक करने में रोकने के चक्कर में सरकार साहब भी आउट हो गए। भाई 206 हो गए और अब मिडल ऑर्डर टेस्ट हो रहा है, नवाज शदाब खेल रहे हैं,
अच्छे स्कोर में आएगा, लेकिन इनको बड़ी मेहनत की जरूरत है अगले मैचेस के लिए। आज हम कुछ पकाएंगे नहीं, फिलहाल इंटरमीटेंट फास्टिंग चल जा रही है हमारी। सो, अभी आउट होने लगा था कसम से, ये लोग तो मुंह इधर नहीं करने देते और बच गया, 250 हो गया। शदाब साहब अभी अभी निकल गए, वही जब ये आपको ना, मैं एक बात बताता हूँ, जब ये शुरू होते ना टुका टिक्की पे रोकने पे, चलो सिंगल डबल भी ठीक है, होता है, लेकिन आप जब भी डिफेंसिव जाते हो ना, आप आउट हो जाते हो। बस डिफेंसिव मोड जो है ना, कभी भी काम नहीं करता, हर वक्त। ये ले जी एक और हो गया जी, हसन अली, बहुत बड़ा प्लेयर हम लेके आए इसको। ये देखें आप, क्यों मैं कहता हूँ बार बार एक ही चीज, क्यों कहता हूँ एक ही चीज, जब आप डिफेंसिव माइंड सेट से जाते हैं आप विकेट दे देते हो, ठीक है, रोक के जा रहे हैं, स्लो खेले जा रहे हैं और आउट भी हुए जा रहे हैं, लेकिन यही एक थक्कड़ माइंड सेट है जिसको हम बार बार कहते हैं कि भाई एटलीस्ट गो ऑन, भाई एक दो ओवर रह गए, आपने कौन सा क्या उखाड़ लेना है उसके अंदर। सो जी, हम 286 पे निपट गए सारे के सारे, एक ओवर अभी भी पड़ा था। बड़ा डिसअपॉइंटिंग किस्म की अप्रोच थी, परफॉर्मेंस थी, सिवाय रिजवान और साउथ शकील, दैट्स इट, बाकी सब ने डिसअपॉइंट किया। तसल्ली से भी खेलेंगे तो 300 तक कर जाएंगे, 300 नहीं हुआ, 286 हो गया, लेकिन आई हेट द वे दे जस्ट अप्रोच्ड, ऑनेस्टली जिस थके अंदाज से ये अप्रोच करते हैं ना क्रिकेट को, कसम से, बैटिंग हो, बॉलिंग तो चलो फिर भी ये अच्छा कर जाते हैं, नॉर्मली 10 out of 6 कह लोगे अच्छा कर जाते हैं, लेकिन बैटिंग पे ये 10 out of 9 घटिया अप्रोच रखते हैं। सो 286-287 नेदरलैंड को चेज करने हैं, आधे घंटे मिलते हैं दोबारा। ओके जी, थोड़ी देर की लानत भेज के इनके ऊपर, हम जाते हैं जिम, उसके बाद देखते हैं कि वो लानत रहेगी या फिर उसको ये मुंह से साफ करेंगे। अभी जाते हैं थोड़ा जिम, थोड़ा सुकून करके, थोड़ा मेंटल प्रेशर डाउन करके आते हैं। तो जिम से वापस आ गए, हल्का फुल्का वर्कआउट था, सांस अभी भी हो नहीं रहा सही, मैच का कोई पता नहीं क्या बना, अभी देखते हैं ऑन करके सब कुछ। 30 पे 1-7, 8वां ओवर है, 50-50 है, दोनों ने अच्छा कर लिया, पाकिस्तान ने एक आध विकेट एक और होती तो थोड़ा और भी अच्छा होता, लेकिन इक्वली है दोनों 50-50। लेट्स सी, चाचा जी ले गए विकेट, चाचे को आप गेम से बाहर नहीं कर सकते, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा सोचना पड़ता, शुक्र है बाबर ने वो फजूल शदाब खान से शुरू नहीं की कहानी, पहला स्पिन रहा चाचा, क्या बात है, आउट कर दिया भाई चाचा ने आते ही, भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और ये उतनी ही घटिया हमारा जो शदाब है अभी बता, उतनी ही घटिया, नवाज भी उतना कंट्रोल में नहीं है, आई डोंट नो ये 20 ओवर आपको कहां कहां जलील करवाएंगे। फाइनली भाई एक घटिया गेंद के ऊपर एक आउट हो गया, इतनी घटिया गेंद थी ना वो, इतनी घटिया गेंद के ऊपर ये बंदा कैच दे के जा रहा है, फाइनली थोड़ी सांस में सांस आ रही है, हमारी थोड़ी सी सांस उखड़ रही है जिस तरह ये कसम से लिविंग डेंजरसली वाली सीन है, पकड़ में आ रहा है मैच, ऐसा ऐसा 4 आउट हो गए 133, फखर बेचारा बस कैच पकड़ने के लिए रखा हुआ है इन्होंने बाउंड्रियों के ऊपर, क्योंकि स्कोर से होते नहीं, एटलीस्ट कैच पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। 26 ओवर 133 रन, 27 ओवर विकेट मिल गई उसको, बस एक दो बाउंसर शाउंसर मारे, एक दो और गिराएगा तो कहानी बड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। भाई एक और हारिस रऊफ एक और का सर ले गया, ये जितना स्कोर अच्छा था 287 पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ एक करना था कि लाइन और लेंथ बॉलिंग करनी थी और कुछ भी नहीं करना था, रिव्यू ले लिया उनके कैप्टन ने, नहीं बैट को नहीं लगी। लेट्स सी कि विकेटों को भी लगती है, क्योंकि हमारी तो लग जाती है अगर हम आउट हों तो हमें आउट दे दिए, ये देखो जी और ये आउट है, आउट हो गया भाई, आउट हो गया। वेरी नाइस अग्रेसिव बॉलिंग, आपको लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवानी है, ये ऐसे गए कि 50 हो गई है जी, बेस्ट लेडे की, लड़का अच्छा खेला है, अच्छी बैटिंग की इसने,
ऑल द बेस्ट नहीं कह सकता भाई, पकड़ के सेंचुरी मार दे इधर ही और हमसे जीत जाए ये लोग। आखिरी रिकग्नाइज विकेट यही है इनकी और स्टम्पी का चांस बना हुआ है। रिजवान तो बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है। नो जी, बच गया, बस बाल बाल बचा है। भूख लगी ज्यादा तो फिर कुछ ले आएंगे, कुछ बिरयानी शिरयानी खाते हैं थोड़ा सा, और अगर भूख बच गई लाइक बर्दाश्त करती हुई तो फिर तसल्ली से एंड पे खाएंगे ना मैच के बारे में बातें करेंगे, कौन जीता कौन हारा। डेफिनेटली अभी भी उनका भी चांस है, नो डाउट, अच्छा खेला उनका एक लड़का। ड्रिंक्स के फौरन बाद बंदा ले लिया हमने एक उनका, पता नहीं उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, नहीं लिया रिव्यू, नहीं लिया रिव्यू, आउट था वो बंदा। तो जो सेट बैटर है अभी भी खेल रहा है, लेकिन वो जो पहले चाचा ने कैच जिसका छोड़ा था वही आउट हुआ अभी शाहीन ने LBWPS को। ये देखें ये बाज सबसे बड़ी विकेट इस बंदे की ले गया, सबसे बड़ी विकेट जो थी वो नवाज के खाते में आई। अच्छी कंट्रोल बॉलिंग करवाई है नवाज ने कुछ ओवर्स में, शादाब ने भी आखिरी दो तीन ओवर काफी कंट्रोल करवाए और ठा करके विकेटों में, ठीक है रन आउट हो गया एक और, आठ हो गया। भूख लगी है भाई को, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं नीचे गया तो 5-7 मिनट लग जाने हैं ये वो करते हुए, पीछे से मैच रह जाएगा, तो मेरे ख्याल रन आउट हो गया। लेट्स सी, लग जो रहा है कि रन आउट हो, देखते हैं आपको भी दिखाते हैं कि रन आउट हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें आप, ओ बल्ला है ही कोई नहीं भाई, आउट हो गया जी एक और वैंडर मरवा, मरवा क्या नाम है इसका। हसन अली ने पहली गेंद पे एक और आउट कर दिया है। बाबर आजम समटाइम लाइक पता नहीं क्या सोच रहा होता है, पिछला ओवर है हमें शादाब को दे दिया, फड़का के रख दो एक दो ओवरों में ताकि आप लोगों का रन रेट जो आपने मुकाला मला था फर्स्ट इनिंग्स में वो आपका पूरा हो जाएगा, उड़ा दो उनको भाई। पर नहीं, शादाब को ओवर जरूर करवाने, उसने अच्छे दो तीन ओवर करवा दिए, उसको छुट्टी कराओ, दो ओवर स्पिनर्स के रह गए, कहीं भी करवा लेना यार खुदा का वास्ता। आरएस रऊफ ने जी आखिरी उड़ा दिया है 205, 9 ओवर से पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 80 स्कोर से पाकिस्तान जीत गया भाई। अच्छी परफॉर्मेंस इवेंचुअली बॉलर्स की तरफ से, नेदरलैंड के हिसाब से उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला भाई, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी करवाई, तो खैर कंग्रेचुलेशन। और बीच में कमर्शियल भाई, एक सेकंड वेट नहीं करते कमर्शियल, पाकिस्तान जीत गया भाई, मुबारक हो पाकिस्तानियों को, बहुत बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बहुत ही लाइक बुरा स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, नेदरलैंड ने बड़ा इनको जलील किया शुरू शुरू में, और बहुत अच्छा रिजवान एंड साउथ शकील और उसके बाद नवाज और शादाब अच्छा खेल के आपको रिस्पेक्टेड टोटल इस वाली पिच पे ये स्कोर तकरीबन 35 ओवर में चेंज हो जाना चाहिए था अगर कोई अच्छी टीम होती और इनको पड़ती। बहरहाल ये चेक करें आप, लास्ट था इसी से बैंटर चल रहा था, हर्ष रूप का बैंटर चल रहा था इस बंदे से, बिकॉज जब ये बॉलिंग कर रहा था तब वो ये भी ऐसे सुना रहा था आपको। तो खैर मैच खत्म हुआ जी, यहाँ पे पाकिस्तान जीत गया। आई यार इस बंदे का अग्रेशन। तो खैर जी अब मैं कुछ खाना शाना लेके आता हूँ, थोड़ी सी और गपशप लगाएंगे जब तक इनकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होती है। भाई मैं कुछ ले गया, मैं भूखा मर जाऊंगा बोल बोल के, अभी आता हूँ। हाँ जी भाई, तू तो कह रहा था नेदरलैंड जीतेगा, ऑलमोस्ट चांस ऐसा ही था, मैंने भी यही कहा था, थोड़ी बैटिंग फ्लॉप हो गई, मुझे कह रहा था 35-40 ओवर में खत्म हो जाएगा, मैंने कहा नहीं जीत सकता कभी, जिंदगी भी नहीं जीत सकता। ये बस एक्चुअली भाई ट्रीट तो डिजर्व करता हूँ, सुबह से बैठा हूँ बगैर कुछ खाए, तो हम लेके आए बिरयानी फुल और ये शक्ल अब खाएगी, और बस मेरे ख्याल आज इतना ही होना चाहिए। और ये व्लॉग तो अगर आज लगाऊंगा तो कल आएगा ना ये, और कल तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच है। तो भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, बहुत बहुत अच्छा खेल सकता था नेदरलैंड के आगे, और ओपनिंग बहुत वरिंग साइन है, तो उसका ज़रूर कुछ करना पड़ेगा ठीक ठीक है, थोड़ा स्पेन पे थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, बाकी ऑलमोस्ट सॉर्ट इट आउट चीज़ें ही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। खैर हम जीत गए, कंग्रेचुलेशन टू अस टू पाकिस्तानीज, कल मिलेंगे आपसे अफगानिस्तान और किसका है मतलब है भाई, आराम से चावल खाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, डू लाइक एंड सब्सक्राइब और सी यू सून गाइस, फिर कल या परसों दोबारा ब्लॉग में आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।